हमारा किन्नर समाज एक समाज से अलग समाज है। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी व महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी ने एक स्वर में अपने अल्पशिक्षित व अत्यंत पिछड़े किन्नर समाज में जबरदस्ती धर्मांतरण का विरोध किया और कहा कि इसके रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम हो उठाए जाएंगे और किसी भी सित्त में जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा और अगर किसी को धर्मांतरण करना है तो वो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के प्रावधानों का पालन करना ही पड़ेगा और इसके लिए जिलाधिकारी की अनुमति बहुत जरूरी है। बिना जिलाधिकारी की अनुमति के कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। जी हम यही चाहती हूँ कि ऐसे जो कानून के विरोध में ये लोग जो जबरदस्ती धर्मांतर किया है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये बच्चे लोग जो निर्दोष बच्चे हैं जो छोटे कास्ट के हैं इनको फिजिकली मेंटली जो टॉर्चर करके इनका धर्म परिवर्तन कराए हैं इनको न्याय मिले। ये हमारे एक बच्ची पंकज है और एक रवीना है, ये दोनों को धर्म परिवर्तन कराए। इनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से वो लोग पेश आए हैं, इनको गरम गरम चाय से चाय इनके ऊपर फेंक देना, मारना पीटना और नशीली पदार्थ दे के इनको कमरे में बंद करना, ये सब ये सारी बातें वो बच्चों ने बताया है, अभी आप लोग के समक्ष बताए हैं, ये आप लोग को भी पता होगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे देश में धर्म कोई परिवर्तन करना चाहता है उसके लिए भी 2021 में हमारे योगी सरकार में गाइडलाइन बना हुआ शासन आदेश है, उसके पालन करके ये लोग बनाते तो चलो कोई बात नहीं था, मगर इन्होंने पूर्ण उसके विरुद्ध में इन्होंने ये कार्य करा है तो ये सरासर एक अपराध है और ऐसे अपराधी को सजा मिलना ही चाहिए। मेरा नाम महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की मैं सदस्य हूँ। वो तो पहले की बात है। दोनों महामंडलेश्वरों ने बबली और उसके चेला सोनू मुस्लिम पर आरोप लगाया कि इन दोनों ने मिलकर दसियों किन्नरों का धर्मांतरण करवाया है। इसमें से तीन मामले सामने आए हैं जिसमें से एक केस को समझा बुझाकर शहर से हटा दिया है, दो मामले को मीडिया बंधुओं के समक्ष पेश किया गया। जय श्री महाकाल। मामला है धर्म परिवर्तन का, जो आज हमारे पास वो बच्चे आए और हमसे मदद मांगी क्योंकि उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, उनकी माँ मुकदमा दर्ज किया जारस टाउन में और हम लोग वहाँ पे गए। और रही बात सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बबली किन्नर ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया है बिना कोई डॉक्यूमेंट के, तो उनको इस चीज़ की पूरी जांच करें प्रशासन और उनको गिरफ्तारी करें, उनको सजा मिले कि आगे किसी भी बच्चे के साथ ये चीज़ ना हो। क्योंकि धर्म कोई किसी का भी अपनाता है तो मन से अपनाता है और जबरदस्ती किसी के धर्म को नहीं कि हिंदू है तो आप मुसलमान बनाओ, कि नमाज पढ़ो, नाम बदला जाए और जबरदस्ती भैंसे का मीट खिलाया जाए और उनका ईमान खराब किया जाए, ये चीज़ बहुत गलत है। और उस बच्चे के साथ बहुत अन्याय हुआ कि उसको मारे पीटे ये लोग, धर्म परिवर्तन वो बच्चा नहीं किया, घर चला गया तो उसके घर पे जा करके। मैं इंसाफ चाहती हूँ कि प्रशासन उस बबली किन्नर और सोनू किन्नर की गिरफ्तारी करे और कि आगे से ये चीज अब ना हो। जब योगी जी ने एक्ट बनाया हुआ है 2021 में तो उसका पालन किया जाए। क्या करेंगे अगर ये कार्रवाई नहीं करती? जी पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आगे क्या करेंगे? नहीं, हम ये लड़ाई को लड़ेंगे, ये सनातनी बच्चों की लड़ाई है और हम सनातनी हैं और इसके लिए चाहे हम अपनी जान भी समर्पित करना पड़े हम इस लड़ाई को लड़ेंगे क्योंकि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म में ही खत्म होना चाहते हैं। जी हम आदित्य योगी नाथ जी जो हमारे सनातनी हैं उनके पास भी हम शिकायत करेंगे और अगर वो हमारी आवाज़ सुनते हैं तो वो सबके लिए न्याय करते हैं, तो हमारे किन्नर समाज के लिए भी वो न्याय करें और हमें हमारा हक दिलाएं। और जो भी ये बबली किन्नर और सोनू किन्नर जो इस तरीके से करते हैं धर्म परिवर्तन, तो इनके लिए सख्त इनको सजा दें, इनकी गिरफ्तारी करवाई जाए। दोनों महामंडलेश्वरों ने बताया कि धर्मांतरण का केस धर्मांतरित बच्चों के परिवार वालों ने दर्ज करवाया है, न कि हम लोगों ने केस दर्ज करने के बाद उन बच्चों ने बबली और सोनू की गुंडागर्दी के खिलाफ मदद मांगी थी, तब हम लोगों ने मदद प्रदान की और इस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगे और मदद करेंगे। इसके साथ ही साथ दोनों महामंडलेश्वरों ने यह भी बताया कि बबली और सोनू मुस्लिम ने शहर के बाहर बनारस, लखनऊ, कानपुर के चोर जुआरी और अपराधी मुस्लिम किन्नरों को बुलाकर शहर की शांति भंग करने का कुचक्र रचा है और इस काम में कुछ समाजवादी किन्नर प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी भी साथ दे रहे हैं और प्रशासन को गुमराह करने के लिए धर्मांतरण के प्रकरण को क्षेत्र विवाद में बदलकर हल्का किया जा रहा है।
दो बच्चे थे आप? मतलब कि जब से मैं छोटे से थे प्रोग्राम करते थे तो मुझे नाचने गाने भी नहीं, बबली किन्नर सोनू कुन्नर देते थे, जब भी हम मैं देखते थे तो दारू पी के पकड़ लेते थे कि तुम कहीं नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, आप हमारे साथ चलो, मतलब कि आपके अंदर कला अच्छी है जो भी है। हम गरीब लोग, हम लोग तो इतना जानते नहीं कि कैसे क्या होता है, तो हमें जबरदस्ती ले जाती थी, घर में काम वाम कराती थी, दवा खिलाती थी, इंजेक्शन लगा के सुला देती थी, और फिर और भी लोग आते जाते थे उसके यहाँ, तो इतना कुछ पता नहीं। फिर हमारा हिंदू से हमें मुसलमान करवा दिया उसने बहुत, और बड़े का गोश्त भी खिलाया उसने, गाय का खाना नहीं देती थी, बहुत कुछ मतलब कि बहुत जुल्म करती थी, मारती थी, पेट पे मेरे चाय फेंक दी खोलते खोलते। हम चाहते हैं हमें इंसाफ चाहिए बस, हिंदू बनना चाहते, हिंदू तो हम है ही हैं, वो तो हमारे साथ जुलम जो की है हमको इंसाफ दिलवाई है। धर्मांतरण भी किया है? हाँ, हमारा भी मतलब धर्मांतरण किया है उसने, कार्रवाई चाहिए जी हाँ, उसके ऊपर कार्रवाई हो जी। वो मुझे मारती थी बबली और सोनू। क्या कौन आपका धन परिवर्तन किया और कितना टॉर्चर करते थे आप? जी सोनू और बबली दोनों मुझे मारती थी, गाली देती थी, कहीं चिमटे छुआ देती थी, कहीं कुछ बहुत टॉर्चर देती थी मुझे, कि कहीं भी कुछ भी कहीं जाऊं तो मां निकलने नहीं देती थी घर से। कहां चिमटा छुआ देती जी? ये देखिए अभी भी अभी तक। क्या चाहती हैं जी? मैं ये इंसाफ चाहती हूं। क्या किया इन्होंने आपके साथ? जी मुझे मुस्लिम बनाया, हिंदू से मुस्लिम बनाया अभी ये 3 महीने पहले, पिछले रमजान में। मुकदमा दर्ज कराया आप लोगों ने? हां। गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं। क्या चाहती हैं जी? हम चाहते हैं उसको अरेस्ट किया जाए। नाम बताइए जी। मेरा नाम है पंकज।